मंगेश पाटील पुन्हा एकदा सर्व क्रीडासकांचं पुन्हा एकदा आई गावदेवी चषक 2024 मध्ये मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। दुसऱ्या फेरीतील ही पहिली मॅच जेव्हा 11 बेलपाटा टीम समाधान भोईर उत्कृष्ट खेळाडू त्याच्या माध्यमातून टीमला पॅक करण्यात आलं, त्याचं देखील स्पर्धेच्या माध्यमातून अधिकाधिक स्वागत। डीसीसी मोरबी टीम ने इथे जिंकला टॉस, चार षटकांची मॅच आहे, लक्ष असू द्या। विनीत फडके गोलंदाजीसाठी अस्त्र काढलाय, षटक क्रमांक पहिला, मॅडेटरी पावप्ले मध्ये पंचांचा हिरवा कंदील येतोय। यस, आरंभ प्रारंभ करूया। शुभारंभ, पहिला चेंडू, वेगवान चेंडू होता, काऊ कॉर्नर रिझर्व मधून चेंडू थांबणार नाही, वन बाउन्स आउट ऑफ द पार, वन बाउन्स मिळतील चार। चौकर्ण खाता खोल, जबरदस्त नजरेचा कैदारा होता, चेडू सरळ सीमा रेषेच्या बाहेर दाखल होतोय, फरार होतो चार धावांसाठी। ऋतिक च्या बॅट्स मधून आलेला दमदार शानदार चार रन, चार षटकांची मॅच आपण पाहतोय। गोलंदाज विनीत वरती त्या आक्रमणाला सुरुवात केली ऋतिकनं, यावेळेस यस कमबॅक, ग्रेट कमबॅक, लगेच मात्र प्रत्युत्तर पलटवार केलाय गोलंदाजानं। चार षटकांची मॅच, चार षटकामध्ये तुम्हाला 40 आसपास धावा बनवावे लागतील, कारण मागच्या मॅच मध्ये नऊ चेंडूमध्ये 35 धावा त्यांनी बनवल्या होत्या, म्हणजे त्या संघासमोर तुम्हाला चार षटकामध्ये 50+ धावा बनवाव्या लागतील। यावेळेस हा चेंडू वेगवान होता, परंतु दिशा थोडीशी करा, पंच आमच्या दिशेने वळतात, दर्शवतात इट इज व्हाईट, आणि एका धावीच्या बरोबरीने टीमची धावसंख्या धावपळकर वाढते, ती मात्र एकूण धावसंख्या 5। चार षटकांची मॅच, मॅडेटरी पॉवर प्लेचा हा पहिला षटक, पहिल्या चेंडूवरती दमदार आले चार। विनीत षटक क्रमांक पहिल्याचा मानकरी ठरलाय। यावेळेस व्हेरी नाईस परफ्युम डिलिव्हरी, अगदी नाकाच्या समोरून हा चेंडू रिलीज केलाय। या चेंडूवरती फलंदाज देखील ऋतिक अशाभूत अशा नजरेनं पाहत बसलाय। बाकीचं काम नेष्टरक्षकाच्या माध्यमातून चोखरीत्या पूर्ण होत असताना षटक क्रमांक पहिला या ठिकाणी आपण पाहतोय, दमदार आयोजन, नियोजन, सुयोजन या ठिकाणी आपण पाहतोय, भव्य दिव्य असं मैदान, तमाम क्रीडसके मॅच आनंद घेतात, सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करूया। तीन चेंडू फेकल्यात विनीतनं, इथे कमबॅकला सुरुवात केली, परंतु हा फलंदाज आपण पाहतोय जबरदस्त फटका इनसाइड आउटचा नजाकत, ज्यावेळी ताकद काम करत नाही काम करते नजाकत, बॅकवर्ड पॉइंट रिजन मधून मिळतील चार। चौकाराच्या बरोबरीनं टीमची धावसंख्या धावफलकावरती पाहिली दोन्ही फलंदाजांनी, मात्र अगदी चौकाराच्या सहाय्यानं खात्याची सुरुवात केली आहे, दमदार सुरुवात। नऊ धावा धावफलकावरती, चार चेंडू फेकून झाले, दोन चेंडूचा केला अद्याप देखील बाकी आहे। ऋतिक आणि सागरची ही जोडी मैदानावरती आपण पाहतोय, यावेळेस आपण चेंडू पडल्याने थोडासा डीप राहिला पॅटच्या स्लॉटमध्ये, हा चेंडू येतो डॉट चेंडूची सबर होत आहे, पाच चेंडूचा खेळ येथे समाप्त झाले, संघाची धावसंख्या पाहिली तर 9। संत सावध सुरुवात इथे आपण पाहतोय, जेव्हा 11 बेलपाडा टीम चांगली गोलंदाजी पाहतोय विनीतच्या माध्यमातून। यावेळेस देखील हा चेंडू पाहिला, चेंडू सरळ एष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये विसरतोय, षटकाची होती ते सांगता, पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या धाव फलकावरती 9।
गोलंदाज ओमकार नावडेकर अस्त्र बाहर काढल्यास पहिल्या षटकाची ते झाली सांगता एकूण धावसंख्या धावपळती पाहिली गेली तरी एकूण नऊ धावा मैदानाच्या चौफेर सिमेंटची जंगल पावतोय आधुनिकतेचा कहर झालेला आपल्याला दिसतोय पहिल्या षटकाची सांगता आता स्ट्राइक एंड वरती सागर ओमकार येथील गोलंदाजी ट्रॅक वरती क्षेत्ररक्षण पूर्णपणे विखुरलेला चार षटकांच्या मॅचचा पहिल्या षटकाचा विचार केला तर संघाची धावसंख्या पाहिली गेली कुन्नव गोलंदाज ओमकार चांगला गोलंदाज मागच्या मॅचमध्ये देखील गोलंदाजी चांगली केली ओमकार व्हेरी गुड डिलेव्हरी चेंडू पाडल्यानंतर थोडा स्विंग होतो सरळ आजच्या दिशेने वळण घेतो अगदी स्क्रीनच्या समोरून जर आपण पाहिलं ना तर दर्जेदार गोलंदाजी जबरदस्त चपराक द्यायची होती फलंदाज सागरला परंतु चेंडू इतका वेगवान होता पिसा बॉलिंग चेंडू हवेच्या लाटांवरती फलंदाज बाद सागरला इथे परतावं लागेल आणि फलंदाज मात्र सागर होतील इथे बाद आणि ओमकारला मिळेल इथे सफलता सनी पालकर डावखुऱ्याचा एक स्टार खेळाडू आहे जबरदस्त गोलंदाजी आपण पाहिली तर ओमकारनी ती दाखवली आहे अक्षय आलेत चार षटकांची मॅच आपण पाहिली तर गोलंदाजी काय जबरदस्त तिखट मारा जितकी गोलंदाजी तिखट परिस्थिती बिकट करण्याचा प्रयत्न यावेळेस गोलंदाज ओमकारचा पाहतोय ओमकारचं वय आपण अंदाजे जर लावलं तर अंडर 19 हा खेळाडू दिसतोय कमी वयात घेतलेले उतुंग गगन भरारे चांगला भविष्य मोरबे टीमसाठी पुन्हा एकदा वेगाची स्वारी ओमकारची गोलंदाजी जबरदस्त अप्रतिम लय भारी जबरदस्त गोलंदाजी 3.1 सफलता त्याला मिळाली आहे जबरदस्त मॅग्निफिकेशन आउटस्टँडिंग ब्रिलियंट अनबिलिव्हेबल अप्रतिम गोलंदाजी क्लोज अक्षय नमक फलंदाज आपण पाहतोय संघाची धावसंख्या पाहिली गेली तर फक्त 9 जोळा पहिल्या षटकामध्ये धावा आल्या त्या धावा इथे मात्र स्थगती जबरदस्त गोलंदाजी ओमकार इथे देखील चेंडू पाडल्यानंतर थोडासा डीप राहतोय जोरदार आल्या गोलंदाज ओमकारसाठी चार चेंडू फेकल्यात फक्त त्याने 0 धाव खर्च केली आणि एक सफलता त्याला मिळाली जबरदस्त मॅग्निफिकेशन गोलंदाजी जबरदस्त गोलंदाजी कौतुक करण्या गोलंदाजाचा भविष्य खूप चांगला मी म्हणेन या गोलंदाजाचा कमी वयात घेतलेली उतुंग गगन भरारे फुल टॉस होता अगदी बॅटच्या स्लॉटमध्ये आला नाही या चेंडू दुसरी धाव जोखीम भरी होऊ शकते मिळतील फक्त सिंगल सिंगलच्या बरोबरीनं टीमची धावसंख्या धाव फलकावरती दुहेरी अंकामध्ये आता मात्र आपण पाहू शकाल ती मात्र 10 धावसंख्या धाव फलकावरती 5 चेंडूमध्ये ओमकारनं काय गोलंदाजी दाखवली आहे जबरदस्त गोलंदाजी फक्त 1 धाव शेवटचा चेंडू ऋतिकसाठी फटका बसलाय क्षेत्ररक्षक दूरवर नाही येतील इथे मात्र भूदान आणि आयुष्यमान भवास आशीर्वाद ऋतिकला मात्र इथे मिळालाय मिळतील इथे 2 रन आणि 2 धावच्या बरोबरीनं टीमची एकूण धावसंख्या जिवा 11 बेलपाडा टीम एका डझनामध्ये 12 धावसंख्या धाव फलकावरती 1 विकेट गारद
तिसरा षटक क्रमांक यावेळी स्कॉर्पियनची अपील बिग अपील आणि फलंदाजी ते बाद होतील तो मात्र अक्षयला इथे मात्र परतावं लागेल। फलंदाजी करावी लागेल आता बॅटच्या स्लॉट मध्ये पाठवलाय चेंडू मात्र सरळ स्लॉट मध्ये दमदार चेरन सात चेंडूवरती दहा धावेंचा ज्याने योगदान दिलाय आता मात्र संघाला धोका आहे मग बिंदास ठोका ही फलंदाजी तुम्हाला आता इथे करावी लागेल। पुन्हा एकदा ब्लाइंड स्ट्रोक शून्य पुन्हा एकदा इथे शून्य नाराज केलाय मी म्हणे सुरुवात ऋतिकनं खूप चांगली केली होती आता आठ चेंडूवरती फक्त दहा धावेंचा योगदान चार चेंडू झालेत कैलासांच्या या विलेस वेगवान होता वेगवान चेंडू होता कॉर्बियनची अपील होती परंतु चेंडू भूमी लगत होता त्या कारणास्तव या ठिकाणी मात्र चेंडू जातो शून्य दोन चेंडू जी सांगा जबरदस्त तिखट बेधुंद करणारी ही गोलंदाजी आपल्या भारतातून पेश करत असताना कैलास नामक गोलंदाज आर्मी श्री गोलंदाजी कॉर्बियनची अपील यस पंचाने अपील उचलून धरलाय फलंदाज बाद होतील ऋतिकला मात्र परतावं लागेल। समूचा असुर बलांची खंत नसे क्रिकेटच्या या रणसंग्रामाला विजयापासून अंत नसे विजयापासून अंत नसे इथे विजय कोणाचा होणार जो झिजेल तो चमकेल जो ठोकेल तो जिंकेल हुकला तो संपेल हा क्रिकेटचा ब्रीद वाक्य मित्रांनो आपण सातत्याने बोलत असतो आता मात्र शेवटचा षटक घेऊन येतील संघाला धोका मग बिंद असतो का संकेत वरती आक्रमणाला सुरुवात करायला हवी जो आक्रमण करण्यासाठी जाणला जातोय सुलक्षण डावखुर आताचा हा फलंदाज पुन्हा एकदा समोर खेळतात अगदी स्क्रीनच्या लॉंग ऑन मधून क्षेत्ररक्षक आल्यात इथे एकच धाव इथे एकच धाव मिळेल एकदाच्या बरोबरीनं टीमची धावसंख्या धावा फलकावरती पाहिली दुहेरी अंकामध्ये वीस धावा धाव फलकावरती शेवटचे पाच चेंडू प्रगती पथावर आता पाच चेंडूवरती तुम्हाला बनवायच्या असतील जास्तीत जास्त धावसंख्या एक्सोलेटर वरती तुम्हाला आता दबाव द्यावा लागेल षटकार चौकार चौकार षटकारांची भाषा इथे मात्र तुम्हाला बोलावी लागेल कर दिखाओ को जैसा कि दुनिया करना चाहिए आप जैसा झुकते दुनिया जनाब झुकाने वाला चाहिए शेवटचे पाच चेंडू संकेत या वेळेस वेगवान चेंडू होता वेगवान चेंडू होता संकेतचा मागच्या मॅच मध्ये त्याने दोन षटकामध्ये चार फलंदाजा घाशा गुंडाळला होता नऊ चेंडूवरती पस्तीस धावेचा योगदान दिला होता
जबरदस्त अष्टपैलू क्रिकेटर मोरबी टीम चा हा गोलंदाज संकेत लपतोय। जबरदस्त बेधुंद करणारी गोलंदाजी पाहिली। आता मात्र षटकार शेवटचे चार चेंडू मध्ये तुम्हाला टार्गेट सेट करायचं आहे तर मोठे फटके। ओ वेगवान चेंडू आहे, वेगवान चेंडू आहे, परंतु लेग स्टिकच्या बाहेर आहेत। पंच आमच्या दिशेनं वळत आहेत आणि दर्शवते इट इज व्हाईट। गोकुल दादा माने यांना विनंती करेन की आपण व्यासपीठावरती या, स्वागत आहे आपला। व्हेरी गुड परफ्यूम डिलिव्हरी, जबरदस्त गोलंदाजी, नजाकत, जबरदस्त फर्स्ट वॉर्निंग लगेच पंचांच्या माध्यमातून त्याला देण्यात आली आहे। कारण चेंडू आपण पाहिला तर बम्सर पद्धतीचा हा चेंडू होता। ब्रेटली ऑस्ट्रेलियाची अशाच पद्धतीची गोलंदाजी त्याची सातत्याने पाहिली। वेगवान वेगवान कुठे गेला तो टीम जीवा इलेवन बेलपाडा टीम, धावसंख्येचा वणवा पेटवणारा हा संघ इथे मात्र कुठेतरी दबाव खाली वावरत असताना। अद्याप दोन चेंडू आहेत, दोन चेंडूवरती जर तुम्ही दोन मोठे फटके घेतलेत तर एक फायटिंग टोटल जरूर येईल, ती क्षमता आहे या फलंदाजामध्ये। ब्लाइंड स्ट्रोक, ब्लाइंड स्ट्रोक इथे मात्र नाराज केलायत प्रसादनं, चार चेंडू डॉट केलेत, खराब क्रिकेट। प्रसादने मॅचच्या मॅच मध्ये षटकाराची मोहर लावली होती परंतु इथे मात्र गोलंदाज जाणताय खराब क्रिकेट, ही धाव मिळणार नाही आहे कारण क्रॉसिंग दोन्ही खेळाडूंना क्रीज सोडणं गरजेचं असतं। तर डॉट चेंडू आणि यावेळेस आपण पाहिला तर संघाची धावसंख्या पाहिली एकूण 21, चार षटकांची मॅच आपण पाहतोय आणि जिंकण्यासाठी 22 धावांची गरज। खूप फॉर्ममध्ये चालणारा हा संघ आपण पाहिला, वैशिष्ट्य त्या टीमचं आपण पाहतोय, शिस्त खूप चांगली आहे, ज्या पद्धतीनं त्यांची उतरण्याची स्टाईल आहे, एका रांगेत येतात, एका रांगेत जातात, मॅच हारू किंवा जिंको ते प्रत्येक टीमला हस्तांदोलन करू, क्रिकेटवरती प्रेम आहे। संकेतनं एक चांगली शिकवण दिली मी म्हणेन पूर्ण टीमला, कौतुक करेन मी संकेतचं। चोवीस मध्ये बनवायचे आहेत 22, फार मोठा संघर्ष इथे मात्र करावा लागेल जीवा इलेव्हन बेलपाडा टीम। सिलेक्शनला पुन्हा एकदा मेडन षटक फेकावा लागेल। तर या ठिकाणी हनुमान दादा भगत निश्चित मोरबेचे आमचे नितीन भोईरे यांचे ते मामा आहेत,
मामा या पण व्यासपीठावरती आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत। आमचे आयोजक नितीन दादा भोईर आपल्याला व्यासपीठावरती इन्व्हाइट करतात, तर मामा या पण व्यासपीठावरती आपलं हार्दिक स्वागत आहे। शुक्रिया चले दोस्तों, दोपहर के सत्र में क्रिकेट के सदाबहार महफिल मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ। चार ओवर का मुकाबला, 22 रन चाहिए जीतने के लिए। बहुत बड़ा संघर्ष यहां से करना होगा। जीवा 11 भेड़पाड़ा टीम, विकेट टेकन गेंदबाजी और खास तौर पर यहां से विकेट टेकन गेंदबाज संकेत के ऊपर आपका टारगेट होना। यदि संकेत को टारगेट करते तो मैच में आप वापसी पा सकते हो, लेकिन संकेत एक बेहतरीन खिलाड़ी है, ऑलराउंडर परफॉर्मर्स। चलिए अंपायर की भूमिका में प्रशांत पाटिल, एक जबरदस्त खिलाड़ी टुंडे टीम के, और हमारे दरिया कूली उनका भी स्वागत करेंगे। चलिए चार ओवर का ये मुकाबला, दोनों टीम को कॉम बॉक्स की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। पहली गेंद हितेश मोरबेकर, ओवर द विकेट मारा करेंगे पहली गेंद। ओ हल्के हाथों से ड्राइव करना चाहते थे, गेंद इतनी रफ्तार भरी थी कि पलक झपकती गेंद सीधा विकेट कीपर के दास्तानों में छलांग देती हुई डॉट गेंद की समाप्ति। पहली गेंद यहां से शून्य, 23 में 22 डीसीसी मोरबी टीम। चले किडुकपाड़ा टीम के कप्तान और नावडी टीम के कप्तान, टॉस के लिए आना है आपको। चले 23 में 22 की जरूरत, कंपल्सरी चेसिंग है। हितेश बोरबेकर एक बेहतरीन खिलाड़ी है, बेस्ट बनाम बेस्ट। इस बार चिड़िया छुप सकते है खेत में, और क्या किया अपने, कैच नहीं भाई मैच छोड़ा है। कैच भी किसकी छोड़ी, जिन्होंने 9 गेंदों के ऊपर 35 बनाए थे। खराब क्रिकेट, बेहतरीन क्रिकेट खेलने की जरूरत थी लेकिन खराब क्रिकेट, प्रेशर में खेल रहे फील्डर थे वहां पे। जयेश मोरबेकर ये क्या किया आपने, छोड़ो कि कैच तो कैसे जीतोगे मैच। पिछले मैच में आपने देखा कि 3 कैच लपके थे, ये होता है क्रिकेट भाई। कभी कभी आसान कैच आपके हाथों से फिसलती है, लेकिन जो मुश्किल कैच होती है बिल्कुल आपके हाथ में फंसती है, ये होता है क्रिकेट। बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा जीवन दान, पछतावा हो रहा है इस खिलाड़ी को, ये क्या किया। सनी आप स्ट्राइक गेंद के ऊपर, गेंदबाज दे देगी, गेंदबाज करे भी तो क्या करे भाई। टैपिंग क्रिकेट बैक टू द बॉलर, शॉर्ट मिड ऑफ द फील्डर है, यहाँ से शून्य। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी, स्ट्रेट प्रोटेक्ट जिस बार गेंदबाजी डीसीसी मोरबी टीम ने की थी। चले इस ओवर की गेंदें हो चुकी 3, टीम की रन संख्या है सिर्फ 1, अब 21 गेंदें 21 रन की जरूरत। ओ ब्लॉक हॉल में फेंकी है, ये हितेश मोरबेकर की गेंदबाजी है, जहरीली गेंदबाजी, काठो भरी गेंदबाजी, जकड़ कर रखने वाली है गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी। डॉट गेंदों का सिलसिला, लगातार गेंदे डॉट 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 जा रही है, 4 गेंदे हो चुके, टीम का टोटल है सिर्फ 1 रन, अब 20 में 21। समीकरण आप यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा महंगा साबित होता जा रहा है मोरबी टीम के लिए। ये देखिए डांसिंग डाउन खेलना चाहते थे, और ये देखिए कैच किसकी थी भाई, कैच लेनी थी आपको। हाँ यदि आप ऊपर देखते तो आपके बिल्कुल सर के ऊपर गेंद थी, और ये देखिए मराठी मध्ये म्हणतात ना कि घर फिरले के घराशी वासी देखील फिरतात। पहले से रन संख्या की इन्वेस्टमेंट आपके पास कम थी, 4 रन मिलेंगे भाई, दौड़ दौड़ के चवा बनाया, ये दौड़ दौड़ के चवा नहीं है, थका थका के जीतने वाली टीम है डीसीसी मोरबी टीम। 19 में 17 हितेश देखिए पूरी तरह से नाराज है अपनी टीम के ऊपर। ओ देखिए रफ्तार है गेंद में, बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी हो सकती थी लेकिन इस बार किस्मत का साथ, किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। की समाप्ति, और यहां से टीम की टोटल स्कोर बुक पर 5 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट टीम डीसीसी मोरबी, तो यहां से करेंगे टॉस। चले लाइव
टॉस करेंगे आयोजक नितिन भोईर इनके शुभ हाथों से। दूसरी दौड़ का अंतिम मुकाबला यस नावड़ी जैनमान नावड़ी टीम ने यहां से जीता टॉस और पहले गेंदबाजी करने का फैसला। ऑल द बेस्ट दोनों टीम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अब यहां से ओवर की समाप्ति। सुलक्षण पिछले मैच की हीरो है भाई, बेहतरीन गेंदबाजी की थी लेकिन उसी अंदाज से गेंदबाजी आपको करनी होगी। 18 में 17 की जरूरत। ये देखिए दो कैच होते तो एक भी रन नहीं होता, मेडन ओवर जा सकती थी लेकिन ये थोड़ी सा खराब क्रिकेट, लेजी क्रिकेट दिखाया जी भाई लियोन मोरबी टीम ने। राजेश जी काकड़े क्लोजिंग टॉटल करने के लिए तैयार है। फिर से एक बार मौका है, वही फील्डर है लेकिन आप नहीं छोड़ेंगे, आप हाथों में हम फेविकिक लगाएंगे। पहले हमने लगाया था सैनिटाइजर लेकिन आप यहां से लगाएंगे फेविकिक। बल्लेबाज की पारी का खात्मा। सुलक्षण की पहचान है पहली गेंद के ऊपर, बिग विकेट मैदान से बाहर। सुलक्षण ओ ये पहचान है सुलक्षण की, लगातार डॉट 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 गेंद का सिलसिला, शून्य के ऊपर शून्य। ये कमबैक करने वाला ओवर होगा, यदि इस ओवर में एक आध दो रन आते हैं तो प्रेशर बनेगा डीसीसी मोरबी टीम के ऊपर। कैलाश इस बार है गेंद हवा में है, इस बार नहीं छोड़ेंगे भाई, बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। और यहां से कैलाश की पारी का खात्मा, विकेट नंबर सेकंड मैदान से बाहर, डीसीसी मोरबी टीम। कमाल की गेंदबाजी, पहली गेंद के ऊपर सफलता, दूसरी गेंद डॉट, तीसरी गेंद के ऊपर सफलता, कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाते हुए। जीत के खातिर जुनून होना चाहिए, उसमें उबाल हो ऐसा खून होना चाहिए, या आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। कमाल की गेंदबाजी, जोरदार टलिया गेंदबाज सुलक्षण के लिए, कमाल धमाल मालामाल गेंदबाजी, ऐसा उसूल गेंदबाजी। डॉट दो गेंदे डॉट डोंट सफलता, पहली गेंद के ऊपर सफलता, दूसरी गेंद डॉट, यहां से मिली सफलता, डॉट क्या यहां से सफलता, यहां से करीबी मामला, बाल बाल बचे, बाल बाल बचे। और ये क्या हो रहा है भाई, जरूरत नहीं थी, ये क्या कर रहे हैं भाई, बिल्कुल आसान से गेंद थी, हाथ में पकड़ के स्टंप को लगाना था, ये दूसरी गलती। एक एक गलती आपको बहुत परेशानी में डाल सकती है, खाली गेंद को कलेक्टिंग करना था और स्टंप को लगाना था। लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज सनी जब तक रहेंगे तो आशा की पूरी उम्मीद डीसीसी मोरबी टीम को लगेगी। इस बार फील्डर है तैनात, अब नहीं छोड़ेंगे भाई, एक और शून्य, एक और विकेट, एक अच्छी और जोरदार टलिया गेंदबाज सुलक्षण के लिए, कमाल धमाल और माल। यस पानी की मांग, पानी लेकर जाना है ट्वेल्थ मैन, चलिए।
क्रम बदलता हुआ, 12 गेंदे 15 रन की जरूरत, अभी तक मैच बैलेंस है। इस मैच का रिजल्ट एक बंद लिफाफे में कैद है। आने वाली 12 गेंदे 15 रन की जरूरत है, कंपलसरी चेसिंग है इस टूर्नामेंट, इस प्रतियोगिता का नियम है। आई गावदी चषक 2024 का एक शानदार सफर चलता हुआ, अब यहाँ से सनी को कारनामा करना होगा इस मैदान के अंदर। तहलका मचाने वाली बल्लेबाजी, लेकिन गेंदबाज सागर तेज तरार गेंदबाज है, लेकिन सागर क्या इस बार वापसी करना चाहेंगे। 12 में बनाने हैं 15, कमाल का क्रिकेट, क्रिकेट का तरार चलता हुआ। पहली गेंद 12 में 15, फुल टॉस है, मिस टाइमिंग है, फील्डर है गेंद के नीचे, लेकिन अभी नहीं छोड़ेंगे, बिग विकेट सनी के पारी का खात्मा। ग्यारह गेंदे 15 रन, नहीं बल्लेबाज राहुल नावड़ेकर। और यहां से गेंदबाज सयान, हाँ ये होता है समझदारी वाला क्रिकेट। सिंगल सिंगल से आप मैच में इन तो जरूर हो सकते। देखिए नेरे में जो प्रतियोगिता चल रही है, उस प्रतियोगिता में डीसीसी मोरबी टीम सुपर 8 के लिए क्वालिफाई हुई है, कि इतनी ताकतवर टीम है। लेकिन दोनों टीम में पावरफुल गेंदबाजी का वरना है, कमाल की गेंदबाजी। अब 10 गेंदे 14 का समीकरण, ओ बढ़िया गेंद ब्लॉक हॉल में फेंकी है, बैट कट है जरूर, बैट का अंदरूनी हिस्सा लेकर गेंद शॉर्ट फाइन लेग में ट्रैवल होती हुई, यहां से समीकरण बदलता हुआ 9 में 13। जसप्रीत बुमराह जैसी गेंदबाजी सागर मोरबेकर द्वारा, बेहतरीन गेंदबाजी। किसने सोचा था मैच इतने नजदीक आ पहुंचेगी, बहुत सस्ते में लौटे संकेत। सामने खेला है, बिल्कुल बिग गैप है, गैप शॉट सिलेक्शन, बिल्कुल ये गेंद नहीं रुकेगी, गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर, मस्तक पे दस्तक, संघर्ष में 4 रन। चौवे के साथ टीम का टोटल यहां से बढ़ता हुआ, अब 8 में 9 रन की जरूरत। आठ गेंदे 9 रन, इस बार ये देखिए व्हाइट का इशारा था वहां अंपायर का, लाइन से भटकते, कंजूसी गेंदबाजी करनी थी, यहां से थोड़े महंगे साबित होते हुए गेंदबाज सागर। 8 गेंदे 8, बॉल टू बॉल इक्वेशन है, कौन जीतेगा मैच, अभी तक मैच का रिजल्ट बैलेंस तौर पर। हल्के हाथों से कट करना चाहते थे गेंद और बल्ले का संपर्क, जितनी गेंदे डॉट उतना आएगा प्रेशर, प्रेशर के साथ निकलते हमेशा विकेट। अब 7 में 8, कमाल धमाल पैसा उसल क्रिकेट का ये बिल्कुल ये मुकाबला, 7-8 का ये समीकरण। फुल टॉस है, लोअर फुल टॉस की गेंद, 1 रन मुकम्मल। आप यहां से ओवर की समाप्ति, 3 ओवर के समाप्ति के बाद टीम का टोटल स्कोर बुक के ऊपर 15, अब 6 गेंदे जीतने के लिए 7 रन की जरूरत, 6 गेंदे 7।
चले यहां से समीकरण बदलता हुआ, छह गेंदे सात रन, थरार चलता हुआ क्रिकेट का बेहतरीन मुकाबला, बेहतरीन प्रतियोगिता आई गांव देवी ट्रॉफी 2024। गेंदबाजी के लिए अक्षय, यहां से गेंदबाजी करेंगे लेकिन स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज है राहुल नावडेकर, राहुल द्रविड़ जैसी के यहां से बल्लेबाजी होगी क्या, यहां से अक्षय यहां से तेज थरार गेंदबाजी करेंगे, जबरदस्त मुकाबला, काटो भरी टक्कर, पहली गेंद अब ट्रैकर की एक गेंद है और ये देखिए अंपायर का इशारा था, वह ऑफ स्टंप के काफी बाहर है, आपके पास रन संख्या की इन्वेस्टमेंट छोटी है, एक एक गलती आपको मैदान से बाहर भेजा जा भेज सकती है, जो जीता वो मैदान के अंदर और जो हारा वो मैदान से बाहर। छह गेंदे छे, ओ जरूरत नहीं थी बड़े स्ट्रोक की, एक एक सिंगल भी निकालते तो मैच में आप प्रवेश कर सकते हो, लेकिन बड़े स्ट्रोक की तलाश में आप ये मैच भी बिल्कुल जीत नहीं सकोगे, लेकिन कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है। आप पांच में छे, ओ बढ़िया स्ट्रोक है, फुल टॉस, ओ इस बार थोड़े से फिसल चुके थे, अब करीबी मामला है, दो रन मुकम्मल, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, मानो जंगल में दो शेर दौड़ रहे हो, और यहां से दो रन के साथ टीम का टोटल यहां से बढ़ता हुआ 18। अब चार गेंदे चार रन, एक एक रन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, दोनों टीम को जानती है एक एक रन की कीमत क्या है, चेसिंग कंपलसरी है, स्लोवर लुक एट द वेरिएशन, कमाल की गेंद, कमाल की गेंद, एक एक डॉट गेंद आपको बहुत प्रेशर क्रिएट करेगी, यहां से दर्पण यहां से निर्माण होगा, तीन में चार, जबरदस्त क्रिकेट का ड्रामा चलता हुआ, टैपिंग क्रिकेट, इस बार डायरेक्ट होना चाहिए लेकिन किस्मत का साथ बिल्कुल डीसीसी मोरबी टीम के पक्ष में चलता हुआ, देखिए भीलवाड़ा टीम के ट्वेल्थ मैन भी हंस रहे और एक तरफ डीसीसी मोरबी टीम के ट्वेल्थ मैन भी हंस रहे, कौन जीतेगा मैच अभी तक भविष्यवाणी यहां से नहीं की जा सकती। समीकरण है यहां से दो में तीन रन कंपलसरी, यदि ये गेंद डॉट जाती है तो मैच में पूरी तरह से सिकंजा मजबूत होगा, आने वाली गेंद के लिए एक बार जोरदार ताले होना चाहिए मेरे दोस्त, दो गेंदे तीन रन, जबरदस्त मुकाबला, और ये महेंद्र सिंह धोनी की स्टाइल के साथ बल्लेबाज हनुमान फड़के ने हनुमान जैसी बल्ला उठाया और गेंद को भेज दिया सीधा सीमा रेखा के बाहर, टीम बेलवाड़ा टीम अपन हरलात पण वागा सारखे जरूर लढलात, मैन ऑफ द मैच,